नीचे उतर सुलेमान, आज ये आखिरी दिन है तुम्हारा घोड़े में, नीचे उतर, उतर नीचे, आज पता चलेगा किसमें कितनी ताकत है, उतर नीचे, वरना तेरे साथ साथ मैं आज इस घोड़े की भी टांगे तोड़ दूंगा। चाचा जान, दरवाजा खोलो चाचा जान, चाचा जान सुलेमान को बाहर निकालो चाचा जान। सुबह से शिकार से निकला है। नहीं मुझे पता है वो यही के बेछुपा है। नहीं सुबह से निकला। चलो मैं खुद देखता हूँ, जगह छोड़ो मुझे खुद देख। सुलेमान कहाँ बेछुपा है? सुलेमान बाहर निकल सुलेमान। चलो मैं उसे जंगल जाके ढूंढता हूँ, चलो छोड़ो मुझे जगह। कहाँ जाना है? मुझे छोड़ो। आपके बाप ने अच्छा फैसला दिया है, क्यों ना मानता है? नहीं, मुझे अपने बाप का ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं। आप मुझे बस छोड़ो चाचा। सुन बेटा ज़ारून, आपका बाप ने बहुत अच्छा फैसला किया है, तुम क्यों नहीं मानता? मैं अपने इस बाप के फैसले को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, आप मुझे छोड़ो बस। देख ज़ारून, तू मेरा भाई है, मैं अपने खून और असल से नहीं लड़ना चाहता। रही ये बात तेरी नादानी की तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। देख मेरे भाई, मुझे माफी नहीं, मुझे बदला चाहिए, बदला। किस चीज का बदला ज़ारून? तू सुलेमान इतनी जल्दी भूल गया अपनी माँ का, अपने हक का जो तुमने और तुम्हारे बाप ने हमसे छीन लिया। मैं मानता हूँ कि हमारी माँ अलग, लेकिन हमारा बाप तो है, हमारा खून एक है ज़ारून। कब तक अपने खून और असल से लड़ते रहोगे? जब तक अपने खून और असल से भागते रहोगे तब तक तुम्हें जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। मैं तुझे बताता हूँ मेरी ताकत क्या है। देख ज़ारून, मेरी शराफत का फायदा मत उठा, तू जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तू कुछ नहीं कर सकता सुलेमान, तू अपने बाप के नाम पर कलंक है, कलंक। ज़ारून और सुलेमान की लड़ाई हुई है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए से आज तक तू यही करता रहा, लेकिन नहीं सुधरा तू। ज़ारून मुझे नहीं सुधरा तू, कभी नहीं सुधरेगा। क्यों लड़ रहे हो? देख लीजिए कि चाचा जान की हालत, इतने दूर से आपको छुड़वाने आया, क्यों लड़ रहे हो? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे? मैं नहीं लड़ रहा, इसने लड़ाई शुरू की थी। क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे? देख रही है कि सारा गांव तमाशा देख रहा है। अगर तुम दोनों ऐसे लड़ते रहे तो जमीन यही रहेगी लेकिन तुम नहीं रहोगे। अगर तुम दोनों भाई एक हो जाओ तो आप पूरी गांव की जमीन खरीद सकते हो। मेरा मशवरा यही है कि आप सलाह कर लो, उसी में आपकी भलाई है। ज़ारून बोल सुलेमान, सुलेमान ये सही बोल रहे,
मैं भी अब ये खून खराब नहीं चाहता। कब से तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है तुम्हें समझ आ रहा है। दोनों भाई इतने लड़ाई के बाद भी एक हो सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान हमारा मुल्क एक हो सकता। जब से ये दोनों मुल्क अलग हुए हैं तो क्या मिला हमें, सिर्फ खून खराबा, गोलियां, लाशें, और क्या मिला हमें। बस मैं ये चाहता हूं कि हम भी अमन से रहें, सुकून से रहें, कोई भी इंसान बिला वजह अपनी जान नहीं गवाता। बस मेरी इल्तिजा दोनों मुल्कों से, हिंदुस्तान पाकिस्तान से, कि अमन से रहें, सुकून से रहें और हम भी अमन में रहें। अल्लाह हाफिज़। बोलना है कि आपके बाप ने जो फैसला किया है बहुत अच्छा किया है, आप मानो इस फैसले को। बोलो, आपके बाप ने जो फैसला किया बहुत अच्छा किया है, आप इस फैसले को मानो। आप इस फैसले को मानो, आप इस फैसले को मानो, जोर से आप इस फैसले को मानो। किस चीज का बदला जा रहा हूँ सुलेमान, इतनी जल्दी भूल गया अपनी माँ का, अपने हक का, जो तुम्हारे और तुमने और तुम्हारे बाप ने हमसे आगे असर। क्यों सुलेमान इतनी जल्दी भूल गया तू अपनी माँ का, फिर से किस चीज का बदला जा रहा हूँ। क्यों सुलेमान इतनी जल्दी भूल गया अपनी माँ का, अपने हक। देख ज़ारून, मेरी शराफत का फायदा मत उठा, तू जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तू कुछ नहीं कर सकता सुलेमान, तू अपने बाप के नाम पे कलंक है, कलंक। मेरी शराफत का नाजायज़ फायदा मत उठा। ज़ारून, मेरी शराफत का ना जायज फायदा मत उठा। तू कुछ नहीं कर सकता सुलेमान, तुझे पता है। देख ज़ारून, मेरी शराफत का फायदा मत उठा, तू जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता है सुलेमान, तू कुछ नहीं कर सकता है, तू अपने बाप के नाम पे कलंक है, कलंक।